हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मैं भी ठीक हूँ। हाँ, तू तो ठीक ही है। और आज है, तारीख है 19, और आज हम लोग मना रहे हैं जन्माष्टमी। तो आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। कुछ लोगों ने कल मनाई थी, कुछ लोगों ने परसों भी मनाई थी। परसों नहीं मनाई थी बेटा, कल ही थी। कल थी और आज है, दो दिन थी जन्माष्टमी। और अभी जो है, बाल देख के सो रखे। अभी टाइम हो रहा है दोपहर के, करीबन 2 बज रहे हैं, और 2 बजे से आज मेरे ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। रात तक क्या क्या करेंगे, 12 बजे तक आप लोगों को दिखाएंगे कैसे मनाएंगे हम अपने लड्डू गोपाल जी का जन्मदिन। और आज मेरा व्रत है, देजी का भी व्रत है, पतिदेव का और बुलबुल का भी व्रत है आज, जिसने जन्माष्टमी का व्रत किया है। और अभी ये रस मलाई और मखाने खा रही है। सुबह से इसने सिर्फ नारियल पानी पिया था। मैंने इसको कहा मेरा व्रत है, तो मेरा देखा देखी इसको, इसने कहा मुझे भी व्रत करना है। मुझे लगा दोपहर में खाना बना दूंगी, खाना खा लेगी, पर इसने जिद कर ली। तो फिर अभी जो है पतिदेव ने इसके लिए ये रस माधुरी नहीं, रस मलाई भेजी है, क्योंकि वही है ना, बच्चे हैं भाई। पूरा रात को 12 बजे तक पता नहीं कर भी पाए नहीं कर पाए, फ्रूट वगैरह खा लेगी। वैसे हम लोग तो कुछ नहीं खाएंगे, यही खाएंगे। हाँ, फ्रूट खा सकते हैं, तो हम लोग बिना खाए करेंगे, मतलब रात को 12 बजे पूजा के बाद ही हमारा खाना पीना जो भी होगा वो होगा। तो रोटी खाना मतलब फ्रूट और ये खाना। अच्छा ठीक है, तो चलिए जी। और मैं लगाऊंगी मेहंदी, कल रात को एक हाथ पे तो लगा ली थी और एक हाथ पे नहीं लगी थी, नींद आ गई थी। मैंने सोचा था एक हाथ की जब सूख जाएगी तब लगाऊंगी, पर एक हाथ पे लगी नहीं, तो अभी लगाऊंगी मेहंदी। और फिर उठने के बाद सजाएंगे मंदिर और करेंगे जन्माष्टमी की तैयारियां। मेहंदी लगा रही हूँ और उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करूंगी, क्योंकि रात को मुझे नींद नहीं आई थी, क्योंकि मुझे हो रखा है कोल्ड, मुझे सर्दी जुकाम हो गया है, तो उस वजह से मुझे रात को अच्छे से नींद नहीं आई। और सुबह से भी जो है ना बॉडी में पेन हो रहा था और थकावट सी ऐसा सा लग रहा था, और ये वेदर चेंज हो रहा है ना, तो इस वजह से काफ़ी सारे लोग बीमार हो रहे हैं, तो मैं भी चपेट में आ गई हूँ। तो बस थोड़ी देर रेस्ट किया मेहंदी लगाने के बाद, और फिर जो है अब लग गई हूँ मैं शाम की तैयारियों में। प्रसाद बना रही हूँ और यहाँ पर बना रही हूँ मैं पंजीरी। पंजीरी बनाना ज़रूरी होता है, बाकी चाहे आप कुछ भी बनाओ चाहे ना बनाओ, पर हमारे यहाँ पर जन्माष्टमी में पंजीरी ज़रूर बनती है। तो ये बस यहाँ पे मैंने देसी घी लिया है और उसके अंदर थोड़ा सा मैंने धनिया पाउडर डाल दिया, और उसको अच्छे से अब घी में सेक लूँगी। और हालांकि मैं थोड़ा सा अलग टाइप से बना रही हूँ, काफ़ी सारे लोग जो है साबुत धनिया लेते हैं, उसको पहले सेक लेते हैं, फिर उसको पीसते हैं और फिर जो है उसमें घी डालते हैं, इस तरह से बनाते हैं। पर साबुत धनिया तो मेरे पास है नहीं, और वैसे भी काफ़ी सालों से ना इसी तरह से बन रही है, मेरे सासू माँ इसी तरह से बनाते थे, तो इस वजह से जो है मैं ऐसे ही बनाती हूँ। तो सबका अलग अलग तरीका होता है बनाने का, तो हमारा तरीका यही है, घी में धनिया को सेक लिया है। और इधर हाँ, मैंने बीच में आलू भी चढ़ा दिए, साथ में मैंने दूध चढ़ा दिया है, क्योंकि साबूदाने की खीर, साबूदाने की नहीं, मखाने की खीर बनने वाली है। और आलू मैंने रख दिया, क्योंकि आलू की सब्ज़ी और कट्टू के आटे की पूरी भी बनाऊंगी। वैसे हर साल तो मैं नहीं बनाती हूँ, पर इस साल बनाऊंगी। और इधर जो है जब धनिया सीख गया अच्छे से, तो उसके अंदर पंजीरी में मैंने डाल दिया खूब सारे मेवे। मेवे में मैंने काजू और बादाम ऐड किए हैं, नारियल का जो होता है ना बूरा, हमारे यहाँ तो यही बोलते हैं, तो वो भी मैं इसके अंदर ऐड करती हूँ, या नारियल कद्दूकस करके ऐड कर देती हूँ। पर आज मेरे पास नारियल है नहीं, पतिदेव को फ़ोन किया है, तो अगर वो ले आएंगे तो मैं डाल दूँगी, वरना जो है ऐसे ही बना लूँगी। और इधर जो है बुलबुल को मैंने कट करके दिया है मैंगो, क्योंकि वही है व्रत आज इसने रख तो लिया ही है, पर मेरे को ना ऐसे हो रहा है कि यार बच्ची है, बच्ची है, 12 बजे तक कैसे भूखी रहेगी। वही है कि दिन में एक टाइम बच्चा खा लेना तो फिर भी नहीं लगता है, पर पूरा दिन से कुछ नहीं खाए ना तो ऐसे रहता ही है। तो फिर मैंने उसको मैंगो कट करके दे दिया है, और आज तो मैडम ने ज़िद ही कर ली है कि उसे व्रत करना ही है। तो वो भी बिल्कुल मेरे जैसी है बुलबुल भी, वैसे तो मैं भी एक बार छोटी थी ना, तो मैंने भी ज़िद कर ली थी मम्मी के साथ कि मैं भी व्रत करूँगी, मैं भी व्रत करूँगी, और मैंने पूरा दिन उस दिन व्रत किया था। शायद छोटी थी मैं उस टाइम, बुलबुल की एज की रही होंगी, तो देजी भी आज कह रहे थे, पतिदेव कह रहे थे कि ये बिल्कुल तेरे जैसी है, तू जैसे ज़िद्दी है ना वैसे यही ज़िद्दी है। तो उस टाइम मैंने व्रत किया था, फिर रात को जो है मैंने लेट खाना खाया, और उससे ना मुझे बहुत ज़्यादा उल्टियाँ हो गई थी, क्योंकि मैंने दिन में कुछ भी नहीं खाया था, क्योंकि मेरे मायके में जो ना कुछ भी नहीं खाते हैं अभी, तो फिर भी थोड़ा बहुत जो है ना चाय पानी दूध अगर ऐसे कुछ ले लेते हैं, पर जब मैं छोटी थी ना तो कुछ भी नहीं खाते थे, पूरा दिन ऐसे ही व्रत करते थे, मतलब पानी पी लेते थे, उसके अलावा कोई फ्रूट वगैरह कुछ भी नहीं खाते, बस सीधा रात को 12 बजे के बाद जो है खाते थे। और उसी तरह से मैंने उस दिन जिद कर ली थी, और मैंने रात को कुछ खाया तो मुझे उल्टी हो गई थी, फिर उल्टियाँ होनी शुरू हो गई थी।
तो बस बुलबुल को तो पर मैंने आज जो है थोड़ा थोड़ा खिला ही दिया है, क्योंकि व्रत तो उसने कर लिया है। और फिर मैंने भी सोचा यार कि वैसे तो देखो करना भी चाहिए, बच्चों का से थोड़ा सा भगवान जी के प्रति रहता है, क्योंकि जो हमारे मुस्लिम समुदाय है वहाँ पर मैंने देखा है काफ़ी सारे छोटे छोटे बच्चे हैं वो रोज़े करते हैं, और रोज़े करना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। बुलबुल भी कह रही थी उसकी क्लास में, उसकी एक क्लासमेट है तस्मीन नाम है उसका, तो वो जो है रोज़े रखती है, वो मुझे बता रही थी। तो फिर मैंने सोचा चलो ठीक है आज तू भी कर ले व्रत, मैंने कहा कोई बात नहीं देखी जाएगी, भगवान अपने आप शक्ति देंगे। तो अभी तक तो उसका व्रत जो है बरकरार है, रात के करीबन 8 बज रहे हैं और यहाँ पे मैंने सारी तैयारी कर दी है। और वैसे तो हमेशा तो मैं पंजीरी और साबूदाने की खीर बस यही चीज़ें बनाती हूँ, थोड़ी सी चिप्स फ्राई कर लेती हूँ, मैं जो है कट्टू के आटे की ये पूरी आलू की सब्ज़ी ये सब चीज़ें नहीं बनाती हूँ। पर आज एक तो बुलबुल ने व्रत किया है और दूसरा पतिदेव कि आज इच्छा है कि हम लगाएं आज 56 भोग लड्डू गोपाल जी को, तो इस वजह से मैं इतना कुछ बना रही हूँ, वरना तो मैं इतना कुछ नहीं बनाती, बस 2-4 चीज़ें प्रसाद में बनाने वाली थी, बस वही हर साल बनाती हूँ। पर हम जो है हर साल, और व्यंजन द्वादशी आती है एक कौन से महीने में आती है यार वो बिल्कुल ध्यान नहीं आ रहा, हाँ पर वो देजी को याद रहती है, मेरी सासू माँ को याद रहती है, तो वो सर्दियों में आती है व्यंजन द्वादशी, तो उस दिन जो है हम लड्डू गोपाल जी को भोग लगाते हैं, 56 भोग लगाते हैं। पर इस साल वो भोग लग नहीं पाया, क्यों नहीं लग पाया, क्योंकि मैं गई हुई थी उस टाइम मायके, मेरे मम्मी पापा ने किया था एकादशी का व्रत का उद्यापन, तो मैं वहाँ पर गई हुई थी, तो वो भोग लग नहीं पाया। तो तब से पतिदेव की इच्छा हो रही थी कि यार इस बार तो हम लोगों ने जो है भगवान जी को 56 भोग लगाया ही नहीं, तो फिर उन्होंने कहा इस बार जो जन्माष्टमी को लगा देते हैं। पर फिर मेरी हो गई तबीयत खराब, तो फिर देवजी बोले कि नहीं यार अब मैंने तो मन बना लिया है, तो मैं काफ़ी सारी चीज़ें जो है बाहर से ले आऊँगा, और बाकी जितना तो उससे हो पाए, जितना तो उससे बन पाए, जितनी तेरी हिम्मत है उतना तू बना ले। तो फिर मैंने कहा ठीक है जितना मुझसे 2-4 आइटम बनेंगे उतना मैं बना लूँगी। तो इस वजह से मैंने आज आलू की सब्ज़ी, कट्टू के आटे की पूरी, मखाने की खीर, और साथ ही मैंने बनाया है मैंगो श्रीखंड, हाँ मैंगो श्रीखंड बनाया, पंजीरी बनाई है, और साथ में मैंने पापड़, साबूदाना के पापड़, और ये मूंगफली के दाने, और थोड़ा सा आलू की चिप्स, ये सारी चीज़ें फ्राई कर ली है, और ये लग गई है हमारी प्लेट, भोग की प्लेट लग गई है। आप लोगों के लिए नहीं लगाई है, ये मैंने भगवान जी के लिए लगाई है अभी तो, और फिर आप लोग भी ले लेना प्रसाद। तो बस ये हमारी जो है प्लेट लग गई है, तो ये सारा कुछ मैंने घर पे बनाया, और बाकी बहुत सारी चीज़ें जो है पतिदेव लेकर आ गए बाहर से, तो आज हम लगाने वाले हैं भगवान जी को 56 भोग। हाँ जी, तो इधर जो है भोग की सारी तैयारी हो चुकी है, और इधर मैं तैयार कर रही हूँ अब हमारी राधा रानी को, और कभी ये कृष्णा बन जाती है, कभी राधा रानी बन जाती है, जैसे बच्चे का मन हो ना, मैं तो वैसे ही तैयार कर देती हूँ। इसकी कान्हा जी की भी ड्रेस रखी थी, पर इसका मन था कि नहीं भाई हमें तो राधा रानी बनना है, तो मैंने जो है इसको राधा रानी बना दी। वही है बच्चे चाहे कुछ भी बनो जन्माष्टमी पर, राधा बन जाओ, यशोदा बन जाओ, और कान्हा जी बन जाओ, जैसा जिनका मन हो वैसे बन जाओ। और वैसे भी इसको तो जो है ना ये सजने संवरने का बड़ा शौक है, तो इस वजह से इसने कहा कि मुझे बनना है राधा, मुझे ये राधा से ज़्यादा यशोदा मैया लग रही थी और कितनी प्यारी लग रही है ना, तो बस मैंने इसको भी तैयार कर दिया, और उसके बाद अब मैं हो जाऊँगी तैयार। हालाँकि अभी काफ़ी टाइम है, अभी टाइम हो गया है शायद 10 बज रहे हैं, 10-10:30 बज रहे हैं, तो बुलबुल को तो मैंने तैयार कर दिया था, और अब मैं भी तैयार हो गई हूँ, चेंज कर लिया है, और मैंने ये अपनी ग्रीन कलर की साड़ी पहनी है, ये मेरी शादी के टाइम की साड़ी है, बहुत पुरानी साड़ी है, पर वो ये कि इतनी अच्छी अच्छी जो साड़ियाँ हैं वो बाहर तो पहनना होता नहीं है, कि इतनी शादियाँ वादियाँ होती हैं तो कितनी शादियों में जाते होंगे, बाहर जाना कम ही होता है, तो ये ऐसी पड़ी रखी रहती हैं। तो फिर मैं क्या करती हूँ, इनको जैसे ऐसे त्यौहार होता है ना, जन्माष्टमी हुई और दिवाली होली, मतलब इस तरह के त्यौहारों पे पहन लेती हूँ मैं इसको। और वैसे भी ये मेरी फेवरेट साड़ी है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसका वर्क भी मुझे ज़्यादा पसंद है, इसका कलर भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस मैं तैयार हो गई हूँ, और इधर जो है अब टाइम हो गया है हमारे लड्डू गोपाल जी के आने का। Thank you.
और यहाँ बुलबुल को लग रही है गर्मी और उसको चुभ रहे हैं कपड़े। पहन तो लिए मैडम ने चाव चाव में कि ये भी पहना दो ये भी गहने पहना दो, पर अब उसको चुभ रहे हैं ये। और हर साल ही पहनती है वो, पिछले साल भी उसने जन्माष्टमी पर इसी तरह से लहंगा चुन्नी पहना था, पूरा तैयार हुई थी, उसको बहुत शौक है तैयार होने का और ये सब करने का। तो पहन तो लिए पर अब उसको गर्मी लग रही है। और लास्ट ईयर वाला व्लॉग भी देखना, काफ़ी अच्छा व्लॉग है, वो भी मेरे चैनल पर है जन्माष्टमी का व्लॉग, वो ज़रूर देखना आप लोग, ठीक है। मैं लिंक दे दूँगी उसका भी डिस्क्रिप्शन में। और इधर जो है अभी बुलबुल कर रही है श्रृंगार लड्डू गोपाल जी का, और आज व्रत किया इसने, मतलब मैं तो चौंक गई बिल्कुल से। मुझे लगा था कि नहीं ये शाम तक तो कह ही देगी कि नहीं मम्मी अब खाना दे दो मुझसे नहीं होगा, पर मैडम ने पूरा व्रत किया है तो उस वजह से थोड़ा सा ना भी थोड़ा सा ढीली भी है। वरना जो लास्ट ईयर जन्माष्टमी पे तो ना इसने खूब इंजॉय किया था, लहंगा पहन के इसने खूब डांस किया था मंदिर के आगे, खूब इसने मज़े किए थे। पर अभी वही है कि सुबह से भूखी है ना, तो बस चुपचाप बैठी है एक जगह, हिलने डुलने की भी इसकी हिम्मत नहीं हो रही है। बच्चे को हो ही जाता है, कभी नहीं करते उन बच्चों में, तो बस आराम से बैठी है। और इसको आज सारी पूजा इसको ही करनी है, तो इसने मुझे नहीं बैठने दिया है सामने, खुद बैठी है अपने पापा के पास। और कैसी लग रही है बुलबुल बताना ज़रूर कमेंट्स में, ठीक है जी। मुझे तो बड़ी प्यारी लग रही है, बिल्कुल यशोदा मैया लग रही है मुझे तो। और इधर जो है बस अब हम लोग आरती कर लेंगे, तो हमारे यहाँ पे तो यही होता है 12 बजे के बाद जो है भगवान जी को स्नान करवा देते हैं। और हाँ हम लोग भी नहाते हैं, मतलब देव जी भी नहाए हैं और मैंने भी नहा कर जो है चेंज किया है। और उसके बाद जो है भगवान जी को नहलाते हैं, पूजा करते हैं और प्रसाद लगा देते हैं, आरती कर लेते हैं, बस इसी तरह से हो जाती है हमारे यहाँ तो जन्माष्टमी की पूजा। आप लोग किस तरह से करते हो मुझे ज़रूर बताना कमेंट्स में, ठीक है जी। और बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया, मतलब तबीयत ठीक नहीं थी पर फिर भी हो गया सब कुछ अच्छे से। मुझे लगा था पता नहीं मैं शाम को प्रसाद बना भी पाऊँगी या नहीं बना पाऊँगी, क्योंकि फ़ीवर भी था मुझे, थोड़ा थोड़ा फीवर भी था, उठने की हिम्मत नहीं थी। पर दिन में जो है मैंने दवाई ले ली थी तो उससे जो है काफ़ी अभी ठीक लग रहा है, अभी उतनी नहीं लग रही है। तो सब कुछ अच्छे से हो गया और काफ़ी अच्छा लगा, बड़ा आनंद आया, बड़े मज़े के साथ हमने मनाई अपनी जन्माष्टमी। और आज यहाँ आना, मैं गुड्डू को भी बहुत मिस कर रही हूँ, काश वो भी हमारे साथ होती। जब घर पे इस तरह का कोई त्यौहार हो ना तो मन करता है यार बच्चे साथ ही रहते तो अच्छा लगता। और गुड्डू भी आज हमें बहुत मिस कर रही है, उसको ऐसा रहता है चाहे मैं दिवाली होली घर पे रहूँ ना रहूँ, पर जन्माष्टमी को मैं ज़रूर रहूँ। आप सब लोगों को पता ही है, जो लोग मतलब शुरू से मुझसे जुड़े हुए हैं ना उन लोगों को पता ही होगा कि मेरे बच्चे जो है कान्हा जी से कितना ज़्यादा अटैच है। और गुड्डू तो कुछ ज़्यादा ही है, वो तो पूरा हमारा जो है ना कान्हा जी की भक्त है बिल्कुल से, एक तरह से बोलूँ तो। और भजन भी उसने काफ़ी सुनाए हैं आप लोगों को, तो उसने जो है ना आज भी एक भजन रिकॉर्ड करके मुझे भेजा था, तो वो लास्ट में मैं लगा दूँगी। तो खैर चलो कोई नहीं, वही है कि जो जैसा हो जाए वैसा अच्छा है। तो आज हमारा जो है जन्माष्टमी वैसे तो काफ़ी अच्छा रहा, बस गुड्डू को मिस किया। और गुड्डू होती तो मुझे ये जो डेकोरेशन है ना वो अकेले नहीं करनी पड़ती, हर साल गुड्डू करती है ये डेकोरेशन, तो उस वजह से भी मैंने गुड्डू को बहुत ज़्यादा मिस किया। मैं जो प्रसाद बना लेती हूँ, बाकी जो भी सजावट का काम होता है ना मंदिर का, तो वो बच्चे संभाल लेते हैं, तो आज सारा कुछ मैंने ही किया था। तो बस जी इस तरह से रहा हमारा जन्माष्टमी का त्यौहार। आरती करने के बाद जो है भोग लगा देंगे 56 भोग भगवान जी को, और उसके बाद मैं और पतिदेव तो लेंगे सिर्फ पंजीरी का प्रसाद, बुलबुल को मैं खाना खिला दूंगी, और बाकी हमारा जो व्रत है वो खुलेगा कल सुबह, मतलब रात को हमारे यहाँ पे व्रत नहीं खोलते हैं और कल सुबह हमारा व्रत खुलेगा। तो इस तरह से था मेरा जन्माष्टमी का त्यौहार, और करती हूँ अब इस वीडियो को यहीं पर एंड। और एंड करने से पहले वीडियो को आप लोगों को एक गुड्डू की आवाज़ में भजन भी सुनने को मिलेगा, तो वो भी सुन लीजिए। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए जी अब सुन लीजिए भजन। वृंदावन की गलिन गलिन में बस एक नाम मिला, वृंदावन की गलिन गलिन में बस एक नाम मिला, जिसने बोला राधे राधे उसको श्याम मिला। गूंज रहा है नाम लाडली का हर कण कण में, गूंज रहा है नाम लाडली का हर कण कण
राधे नाम सुनाई देता कृष्ण की धड़कन में। राधे जी के नाम को सुनकर मुरझा फूल।